वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी पुरुषों को पेनिस लिंग का कैंसर हो गया है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। लेकिन काफ़ी पुरुषों को यह पता नहीं होता है कि लिंग में कैंसर होने के क्या कारण होते हैं, जिसकी वजह से जिन कारणों से पुरुषों के लिंग में कैंसर होता है उन चीज़ों से वो बचाव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पुरुषों के लिंग में कैंसर हो जाता है और वक्त पर सही इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पुरुषों के लिंग में कैंसर होने के क्या कारण होते हैं, जिसे समझकर आप बचाव करेंगे और इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच पाएँ। तो भाइयों, इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। सिगरेट या किसी भी प्रकार की स्मोकिंग को करने से लिंग का कैंसर हो जाता है। तंबाकू को चबाने से लिंग का कैंसर हो जाता है। मानव पेपिलोमा वायरस के कारण लिंग का कैंसर हो जाता है। जो पुरुष अपने लिंग के ऊपर की खाल को पीछे करके उसकी रोज साफ सफाई सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उन पुरुषों में लिंग का कैंसर हो जाता है। फिमोसिस के कारण लिंग का कैंसर हो जाता है। 60 साल से अधिक उम्र वाले पुरुषों में लिंग का कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। और भाइयों, जिन पुरुषों का बचपन में खतना हो जाता है, तो उन पुरुषों में कभी भी लिंग का कैंसर नहीं होता है। तो भाइयों, इन सभी कारणों से पुरुषों के लिंग में कैंसर हो जाता है। लेकिन भाइयों, जो पुरुष बचाव करेंगे तो वो पुरुष इस कैंसर से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। भाइयों, जिन पुरुषों को पेनिस लिंग का कैंसर हो गया है, तो उनको सही कैंसर अस्पताल में ही अपना इलाज कराना है, उल्टा सीधा इलाज वो ना कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।